नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद प्रजापत और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विनोद पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड MCQ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अधिकतर जो आपके गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछे गए हैं, चाहे वो इसरो हो चाहे कोई भी एग्जाम हो उनके अंदर पूछे गए हैं। और साथ ही ये क्वेश्चंस आपके जो मेन ट्रेड थ्योरी होती हैं या फिर कोई भी एग्जाम के लो उनके अंदर अंतर्गत अवश्य पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग में इनमें से कौन सा काम किया जाता है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कौन सा काम किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की जाती है, टेक्स्ट की वर्ड आर्ट यूज किया जाता है उसमें, और टैब और इंडेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, उपरोक्त सभी। यानी इसका जो सही आंसर क्या होगा, यानी कि इसके अंदर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी की जाती है, वर्ड आर्ट यूज भी किया जाता है, टैब और इंडेंट का प्रयोग भी किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर द्वारा होने वाली वर्ड प्रोसेसिंग की वजह से इनमें से कौन सा कार्य आसान हो गया है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग की वजह से हमारा कौन सा काम आसान हो गया। तो हम टेक्स्ट का करेक्शन आसानी से कर सकते हैं, हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हम फॉन्ट की साइज जो है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि इसकी फॉन्ट वर्ड प्रोसेसिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, तीनों काम कर सकते हैं, टेक्स्ट का करेक्शन कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों काम कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है निम्न में से, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा काम वर्ड प्रोसेसिंग में नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा काम वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर नहीं किया जाता है। तो इसमें है इमेज रेजोल्यूशन चेंज करना, टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करना, टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करना और टेक्स्ट को एडिट करना। तो ये जो तीनों कार्य हैं ये क्या हैं, अपने वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर किए जा सकते हैं, लेकिन इमेज का जो रेजोल्यूशन है ये हम इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इमेज रेजोल्यूशन चेंज करना, यानी कि इमेज की क्वालिटी अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका रेजोल्यूशन हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर क्या है, इमेज रेजोल्यूशन चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, वर्ड प्रोसेसिंग में क्या कार्य किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर क्या कार्य किया जाता है। देखते हैं, टेक्स्ट टाइपिंग करना और एडिटिंग करना, वीडियो फिल्म एडिटिंग करना या प्रोग्रामिंग करना। तो इसके अंदर क्या काम होता है, टेक्स्ट एडिटिंग और टेक्स्ट टाइपिंग और एडिटिंग, यानी कि ये कार्य किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, टेक्स्ट टाइपिंग और एडिटिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, डेटा इनपुट करने का कार्य किससे किया जाता है। ये अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेटा इनपुट करने का कार्य किससे किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर। तो ये किससे किया जाएंगे अपन, ये कि याद रखना ये किसके से रिलेटेड है, वर्ड प्रोसेसिंग के। तो इसमें क्या है, माइक्रोफोन से, कीबोर्ड से, बारकोड रीडर से या नन ऑफ दिस से। जो अपन वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर डेटा जो एंटर करते हैं या इनपुट करते हैं वो किससे करते हैं, अपन कीबोर्ड की मदद से इसका कार्य करते हैं। इसका सही आंसर जो है वो क्या है, बी है। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अपन यूज करते हैं। तो क्या हम एमएस एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम यूज करते हैं, किसके लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। ओके, इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब कंप्यूटर से वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं तो पेज में निम्न में से एलिमेंट को जोड़ सकते हैं, यानी कि पेज के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग के टाइम अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट कर सकते हैं, यानी कि अपन ये दोनों कार्य कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग के लिए नई फाइल को खोलने के लिए इनमें से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे कमांड पूछा गया है, तो क्या कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से क्या करेंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एन से क्या करेंगे, न्यू फाइल को ओपन करेंगे, और कंट्रोल एस से क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कंट्रोल एन है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले से बनी फाइल को खोलने का कार्य इनमें से किस कमांड की मदद से किया जाता है? तो इसमें कंट्रोल एफ से अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, कंट्रोल एन से क्या करेंगे, न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस ओ से अपन क्या पहले से बनी हुई फाइल को अपन क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कंट्रोल ओ होगा। तो दोस्तों आज के लिए यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन और लाने वाला हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड इसका पार्ट टू आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को भी पूरा देखें और आने वाले वीडियो को भी देखें, जिससे कि आपको इस तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसकी तैयारी आसानी से कर सकें। साथ ही दोस्तों मैं इसका जो पीडीएफ है वो मैं इस लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको आप पीडीएफ से भी अपने क्वेश्चन और सेव कर सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं बाद में। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ आप इस YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।